Assalamualaikum नाज़रीन, आमिर मियां और इसको होप मौजूदा हफ्ता 9-15 अक्टूबर 2017 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इसकी इब्तिदा करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के पहले हिस्से की। और पहले हिस्से का सबसे पहला बुर्ज आएगा हमल एरीज, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका आप इंतजार हम रेख यकम तक 22 अक्टूबर चूँकि जायजा के छठे घर में मौजूद होगा, यहाँ आपको अपनी सेहत की तरफ खास तौर पर जो है वो मुहतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा केयर करना होगी। इसके अलावा आपकी जो मुलाजमती जिम्मेदारियाँ हैं या जो आपके फ़राइज हैं उनमें इजाफा हो सकता है, जबकि आपको अपने माता अफराज से खास तौर पर मुहतात रहना होगा। 11 और 12 अक्टूबर को मरीख जोल तरबी के बाद हालात में मसाइल और मुश्किल जन्म ले सकती हैं, जिनकी वजह से महफूज रहने के लिए आपको सब्र तहम्मुल का दामन थामना होगा, जल्दबाजी से गुरेज करना होगा और अपनी बेहतरी के लिए अपने मुखलिस दोस्त अहबाब या अपने बुजुर्गों से मशावरत जरूर करना होगी। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 9 अक्टूबर को ट्रैफिक के मामलों में खास तौर पर ड्राइविंग करते वक्त मुहतात रहिएगा। 10 को मुस्तकबिल से मुतल्लिक सरमायाकारी में अपनी ख्वाहिशात की तकमील कर पाएंगे। 11 अक्टूबर को रोमानवी जिंदगी में किसी दहरीना ख्वाहिश की तकमील का इम्कान है, जबकि 12 अक्टूबर को सेहत के सिलसिले में आपको खासा मुहतात रहना होगा। 13 अक्टूबर को कोई अहम पैगाम वसूल हो सकेगा, जबकि 15 को बेरोजगार अफराद जो है तलाश माश में सरगर्दा रहेंगे, मुतहरक रहेंगे, एक्टिव रहेंगे अपने रोजगार के लिए। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़कर जो 7 असरात का हामिल दिन है वो है 15 अक्टूबर, जबकि मुमकिन तौर पर जो मनफी असरात के हामिल दिन हैं मामूल से बढ़कर वो लगभग हफ्ता ही आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अपने बारे में केयर करना होगी। और ये दिन है 9, 10, 11, 12 और 13 अक्टूबर। बुर्ज सौर टॉरस, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा जोरा यकम था 14 अक्टूबर चूंकि जायजा के 5वें घर में मौजूद होगा, यहाँ मरीख भी उसके साथ होगा है। और ये सबसे ज्यादा आपके जो प्यार मोहब्बत के मामलात हैं, आपस में कराबतदारी है, लेन देन ताल्लुकदारी जो होती है उसको सबसे ज्यादा ये हिट करेगा, सेंसिटिव बनाएगा। इस दौरान आपको अपने जो हसद करने वाले लोग हैं खुफिया तौर पर या ऐलानिया, उनसे आपको बहुत ज्यादा जो है वो महफूज अपने आप को महफूज बनाना होगा, उनसे बचना होगा। लेकिन कुछ अहबाब ऐसे भी हैं जिनकी फरमाइशें जो हैं वो आपके अखराजात को बढ़ा सकती हैं। 15-31 अक्टूबर जोरा जो है वो जायका के छठे घर में मौजूद होगा, यहाँ सुबह मंशा जो है मुलाजमत का असूल मुमकिन होने के साथ साथ आला हुकाम जो है और मातहत अफराद दोनों के साथ आपके रवाबत खासे मुस्तहकम हो सकेंगे। 8 और 9 अक्टूबर को जोहरा जोहल तरबी के बाद आपके जारी मामलात और जो रवाबत है उनमें संजीदगी जन्म ले सकेगी, जबकि आपके सियासी और समाजी उमूर भी खासे एहतियात के हामिल रहेंगे। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा, 9 अक्टूबर को जो आपने पहले से वादे किए होंगे 9 अक्टूबर को उनके टूटने का वक्त शायद आ गया, वादे टूट सकते हैं। 10 को किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। 11 अक्टूबर को सफर के दौरान गैर जरूरी तौर पर एहतियात करना अपनी मजबूरी समझिएगा। 12 अक्टूबर को आपके जो कल्बी मामलात हैं, दिल के जो सिलसिले हैं उनमें कोई थोड़ी परेशानी जन्म ले सकती है, जबकि 13 अक्टूबर को रुपये पैसे की जो उम्र में वो आपके लिए खास अहमियत के हामिल रहेंगे। 14 अक्टूबर को ख्वाहिशमंद अफराद मुलाजमत के हसूल के लिए एक्टिव हो सकते हैं। 15 अक्टूबर को समाजी सरगर्मियों में आपकी मसरूफियत बढ़ सकेगी। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर जो 7 असरात का हामिल दिन है वो है 12 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़कर एहतियात तलब दिन आपके लिए मौजूदा हफ्ता में 10 और 11 अक्टूबर का साबित हो सकते हैं। बुर्ज जौजा जेमिनी, मौजूदा हफ्ता का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा दारा यकम था 17 अक्टूबर चूंकि दर्जे के 5वें घर में मौजूद होगा, यहाँ औलाद की तरफ से खुशी की खबरें आ सकती हैं। आपके इश्क व मोहब्बत के उमूर जो हैं वो आपके हस्ब मंशा हो सकते हैं। इनामी स्कीमों में अगर हिस्सा लेते हैं आप तो उनमें आपको जो आपका मुकद्दर है वो यावरी कर सकता है। इसके साथ साथ 9 और 10 अक्टूबर को चूंकि शम्स सतारत करान होने की वजह से आपकी कुव्वत फैसला जो है वो यकीनन मजीद बेहतर हो सकेगी, जबकि इस दौरान अगर कोई सफर आप तय करेंगे या अपने इख्तियार करेंगे तो वो वसीला जफर बन सकता है। हालात में बेहतरी के लिए मुस्बत इकदाम कर पाएंगे। 9 और 10 अक्टूबर को ही अदालत प्रोटोतर भी होगी, इसलिए बहस व तकरार से गुरेज करना जरूरी होगा। और जबकि मुस्तहकम जो सॉल्ट बेस्ड जो प्लानिंग है आपकी उसकी जरूरत पेश आ सकेगी। 13 और 14 अक्टूबर को अतारत और जोहल जो है वो तस्दीस की हालत में होंगे, जिसकी वजह से हालात
के जो हालात को बेहतर बनाने के लिए जो आपकी कोशिशें हैं वो अगर संजीदगी है, बहुत ज्यादा डिटर्मिंड होकर आप काम कर रहे हैं, तो यकीन आप अपने मिसाइल काल तलाश कर लेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को तारक यूरेनस मुकाबला होगा, जिसकी वजह से हालात में कशीदगी जन्म ले सकती है, जिससे बचने के लिए आपको अपना रवैया खासा नरम रखना होगा और तहम्मुल मिजाजी से काम लेना होगा। मौजूदा हफ्ता का तफसीली जायजा। 9 अक्टूबर को सरमायाकारी के पेचीदा उमूर जो हैं वो शरीके कार अफराद से मिलकर आप उनका हल निकाल पाएंगे। 10 को दूसरे अफराद का तावन आपको हासिल रहेगा, जबकि 11 अक्टूबर को तालीमी उमूर के लिए सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 12 अक्टूबर को जायदाद की खरीदो फरोख्त का मामला जो है वो तय पा सकता है, जबकि 13 अक्टूबर को घरेलू जरूरत की जो अशिया है उनकी खरीदारी करना आपके लिए मुमकिन हो पाएगा। 14 अक्टूबर को शादी ब्याह के जो उमूर है उनकी वजह से आपके जारी मनसूबे हैं उनमें थोड़ा रुकावट आ सकती है। 15 अक्टूबर को आप अपनी कोशिशों से किसी रिहायशी मंसूबे पर जो है वो काम कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो है 14 अक्टूबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन मौजूदा हफ्ता में आपके लिए वो है 12 और 13 अक्टूबर। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता का पहला हिस्सा खत्म।